सब्सक्राइब करें WS Cube Tech प्रोग्रामिंग चैनल, बेल आइकन दबाएं और हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech प्रोग्रामिंग चैनल। गाइज मैं हूं भागीरथ गिरी और गाइज इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप कैसे कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हो, क्या क्या तरीके हैं उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग एडवांस प्रोग्राम्स तक जाएंगे। तो सबसे पहला जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरह लिखा जाएगा ये हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आने वाले वीडियोस को भी देखते रहिएगा। तो गाइस देख लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है इस वीडियो का। तो हमारा एजेंडा है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड तीन तरीके से प्रिंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है console.log का यूज करके, दूसरा जो हमारा तरीका है वो है अलर्ट फंक्शन का यूज करके, और तीसरा जो हमारा तरीका है वो है document.write का यूज करके। तो गाइस console.log क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो console.log यूज किया जाता है डीबगिंग के लिए। आपने जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से कर रखी हो तो आपको console.log का आइडिया होगा, आपने काफी बार यूज भी किया होगा। और अगर हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज आपने देखी है तो उसमें भी मैंने console.log काफी बार यूज कर रखा है और console.log के बारे में मैंने अच्छे से समझा भी रखा है। तो गाइस console.log का काम होता है डीबग करना, यानी कभी भी आप जब कोड कर रहे हो और कोड करते करते आप किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जब आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है और एक टाइप का बग आ रहा है, तो उस बग को हटाने के लिए डीबगिंग की जाती है और डीबगिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है console.log को। बट इस वीडियो में हम लोग console.log को यूज करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूंगा और उसका नया मैं रख देता हूँ index.html और इसमें हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं। तो ये हो गई मेरी न्यू फाइल और इस फाइल को मैं जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको HTML की फाइल बनाना पड़ेगा। ओके तो इसको HTML की फाइल बना देते हैं। सो गाइस ये हमारी एक HTML की फाइल हो गई और मैं क्या करूंगा सबसे ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लूंगा जो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो पेयर्ड टैग होता है, यानी आपको इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रखनी जरूरी है। अब गाइस बात करते हैं कि console.log का यूज करके हम लोग को हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो कंसोल आप ये लिखोगे और डॉट लॉग लगाओगे, console.log, और इसके अंदर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में वो स्ट्रिंग पास करोगे जो आप चाहते हो कि आपको एज अ आउटपुट मिले। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो और वर्ल्ड। ओके तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड और अब इसको मैंने किया टर्मिनेट सेमीकॉलन से और अब इसको हम लोग ब्राउजर पे ओपन करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन ब्राउजर। तो ब्राउजर पे ये हमारे पास यहाँ पर खुल गई। अभी आप देख रहे हो यहाँ कहीं भी हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ, तो कैसे पता चलेगा कहाँ लिखा हुआ है। तो गाइज हमने यूज किया है console.log को, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे इंस्पेक्ट पर और इंस्पेक्ट पे यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा कंसोल नाम का। तो इस कंसोल नाम के टैग पर जैसे आप क्लिक करोगे इस टैब पर, यहाँ पर आपको वन यूजर मैसेज दिखेगा और उस मैसेज में आपका लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो गाइज ये पहला तरीका है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को लिखने का। आप फिर से एक बार देख सकते हो console.log, उसके अंदर डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा हुआ है और वो मिलेगा कहाँ पर आपको, तो इंस्पेक्ट में जाके आपको कंसोल वाले पोर्शन में हेलो वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरे तरीके पे चलते हैं। तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो है यूजिंग अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन या मेथड आप कह सकते हो, ये क्या करेगा जो करंट विंडो जिस विंडो में अभी आप हो वहां पर एक ऊपर आपको डायलॉग बॉक्स खुलवा कर देगा, अलर्ट बॉक्स खुलवा कर देगा। ये आपने काफी बार यूज किया होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट से यूज थ्रू हो, और इसके अंदर हमको अगर अलर्ट करके हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अलर्ट और सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो गाइज इसको भी अभी हम लोग यूज करके देखेंगे। तो ये जो console.log में हेलो वर्ल्ड है इसको मैं एज इट इज रखूंगा। यहाँ पर मैंने लगाया अलर्ट और इसके अंदर मैं सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि जावास्क्रिप्ट में आप स्ट्रिंग को सिंगल या डबल दोनों में से किसी भी कोट में लिख सकते हो। तो अब देखते हैं, यहाँ पर वापस चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, यहाँ से मैं करता हूँ रिफ्रेश और अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया ये वाला और इसमें लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये console.log का हेलो वर्ल्ड तो लिखा हुआ ऑलरेडी है। अगर console.log नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है तो अभी आप देख रहे थे कि console.log पहले से लिखा हुआ आ रहा था, बट अभी मैंने रिफ्रेश किया और अब आप देख रहे हो अलर्ट पहले ट्रिगर हुआ। जब तक अलर्ट है तब तक पीछे कंसोल में हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही आप अलर्ट को ओके करोगे नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा और ये हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। यानी जो आपका अलर्ट है वो क्या करता है, वो उस पेज को वहां पर रोक के रखता है। तब तक रोक के रखेगा जब तक अलर्ट को कोई ट्रिगर ना कर दिया जाए, अलर्ट को ओके करके हटा ना दिया जाए। तो अब गाइज लास्ट हम लोग बात करते हैं हमारे document.write मेथड की। document.write डॉक्यूमेंट का एक मेथड है।
जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कंटेंट लिखवा कर देता है। तो गाइज HTML डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, ये अगर आपको समझना है तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कोड पर, और ये पूरा के पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब गाइज document.write का क्या काम है, तो document.write का काम है कि इस बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखवाना चाहते हो वो इस बॉडी टैग के अंदर आपको लिखवा कर दे देगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो मुझे लिखना होगा document.write और सिंगल या डबल कोट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो गाइज इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे नीचे मैं लगा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, फिर डॉट और राइट, document.write, ये डॉक्यूमेंट का एक मेथड है, और यहाँ पर लिख देते हैं अपन हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड। और अब आपको स्क्रीन पर कंसोल लॉग के अलावा भी हेलो वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश सबसे पहले अलर्ट का, देन कंसोल वाला, और देन आप यहाँ देख सकते हो ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हमारे पास इस तरफ। मैं अगर यहाँ से कंसोल बंद कर दूं तो ये हमारे पास एक्चुअली हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब हेलो वर्ल्ड को अगर आप H1 टैग में लिखना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप यहाँ पर H1 टैग भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ H1 टैग को, और H1 टैग के अंदर मुझे हेलो वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो ये अब H1 टैग है और इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो गाइज ये हमारे तीन तरीके थे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का। सबसे पहला हमारा जो तरीका था वो था console.log, then we have alert and at the end we have document.write. I hope guys आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। That's it for this video. Thank you so much for watching.